हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है वो है बहुत ही खास। ये काम शायद आपको आपने पहले भी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत लोगों की वीडियो में देखा होगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ, पर ये एक ना अलग तरह का ब्लॉग है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा काम ना किस किस ने किया हुआ है और कौन कौन करता है ऐसे काम, तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो देखोगे। और रिक्वेस्ट भी करूँगी उन लोगों से जो पहली बार चैनल पर आते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ये हो गया प्रॉपर तरीके से पूरा काम ख़त्म। और अब यहाँ से ना जो इसका मेन था पानी का बहाव, ये इसके ऊपर से जाएगा। और जो हमने लकड़ी दबाई वो भी धीरे धीरे ढक गई पूरी। रस्सी लेने के रस्सी बनाने के लिए रस्सी प्राप्त करने के लिए हमें आना पड़ता है खड्ड में, ऐसी खड्ड जहाँ पे रस्सियाँ तैयार होती है ना। गांव में ऐसी रस्सियाँ बनाते हैं और पहले से बनाते आ रहे हैं। ये बहुत पहले से बुज़ुर्गों के टाइम से इसी तरह से रस्सियाँ बनाते हैं। अब तो मार्केट में कई प्रकार की ना रंगीन रस्सियाँ मिलती है, पर पहले ना इसी तरह से रस्सी बनाते थे और उसके बाद में ना फिर इसको रंग करते थे। दुकान से रंग लाते थे, प्राकृतिक नेचुरल वाले या फिर फूल पत्तियों के कलर से इनको रंग दिया जाता था और ये रंगीन बनाए जाते थे। तो अभी भी ये परम्परा ज़िंदा है हमारे यहाँ पर। तो और चलते हैं अब ऊपर की तरफ, घर की तरफ। मम्मी जो तो ना ये सब बिच्छू देखी की डर लगवा, देख कितनी बड़ी बड़ी है ये, रख ची हाय रब्बा। तो अभी शाम का टाइम है और मैंने जाना है गौशाला में गोबर उठाने के लिए। पर उससे पहले ना मैंने यहाँ पे गैस पे छोड़ी है दाल और यहाँ पर है दूध, तो मैंने इसको ना ढक करके रख दिया है वंशु के लिए, क्योंकि जब वंशु स्कूल से आता है ना तो आते ही वो सो जाता है। तो अभी छः बजे का टाइम है, अब वो उठने वाला है, तो उठती ना उसको दूध चाहिए, तो मैंने इसको गर्म करके रख दिया है। जब तक वो उठेगा ना तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट से गौशाला में। और चेतन की ना बहुत बुरी आदत है, अभी ना वो ड्रेस चेंज करने आया था स्कूल से तो लाइट ना खुली छोड़ गया है, और वो ऐसे ही करता है लड़का। पता नहीं कब सुधरेंगे ये बच्चे। बार बार बोलती हूँ इसको ना कि लाइट बंद कर दिया कर, पर नहीं, फिर बाद में बोलते हैं सॉरी मम्मा भूल गया। तो एक बार ना गौशाला जाने से पहले शाम के टाइम जो झाड़ू लगती है ना, तो वही मैं लगा लेती हूँ अपने रसोई में भी। इसमें वैसे कुछ ज़्यादा तो है नहीं, पर यहाँ पे ना अभी मैंने लहसुन और प्याज छीला था तड़के के लिए, तो इसका कूड़ा है। और कूड़ा हो भी जाता है यहाँ वहाँ से, क्योंकि जो कच्चे घर होते हैं ना उनमें अक्सर ज़्यादा कूड़ा होता है। और पीछे की जो दीवारें हैं ना फ्रेंड्स, उन्हें तो आप बिल्कुल ही इग्नोर कीजिएगा और तब तक इग्नोर करते रहिएगा जब तक कि बरसात का मौसम है, क्योंकि ना ये पीछे वाली जो दीवार है ना इनमें सीलन आना स्टार्ट हो चुकी है। पीछे से ना पता नहीं कहाँ से पानी आता है, मैं ना इसको बंद भी कर देती हूँ पीछे की जो दीवार है वहाँ पे, पर पता नहीं है फिर भी कहीं से आ जाते, क्योंकि बरसात का मौसम है और सीलन तो आ ही जाती है। और कुछ एक जो लकड़ियाँ ना वो मैंने चूल्हे में रख दी, क्योंकि ये गर्म हो जाएगी और फिर ना एकदम से आसानी से जल भी जाएगी। और ये कूड़ा मैंने उठा लिया, जाते जाते ना इसको मैं, अब मुझे इसको बाहर नहीं फेंकना है, पर मैं इसको ना वहीं रख दूंगी जहाँ पे हम कूड़ा भर के रखते हैं। और अभी ना धूप है, सूरज भगवान जी अभी नहीं छिपे, तो ये शाम के टाइम की जो झाड़ू लगती है ना ये मैं वही लगा रही थी। और इसके बाद में मैंने जो गौशाला से तसला भरे थे ना गोबर के, तो वो मुझे ले जाने। और आजकल ना हम जो खेत हैं हमारे वहीं पे गोबर फेंकते हैं, तो ये मुझे ना भर भर के वहीं पे फेंकना है। और मैंने फेंक दिया था वैसे सारा, पर अब ये वाला लास्ट तसला बचा था तो इसको भी मैं वहीं पे फेंक के आऊँगी। और ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा दूर है, 2 मिनट लगते हैं आने जाने में। और बाद में ना काफ़ी आराम हो जाता है जब हम गोबर फेंकते हैं ना, तो नज़दीक पड़ जाता है
खेत में डालने के लिए, और बारिश भी नहीं हो रही है। और ये देखिए, हमने जो मक्की की गुड़ाई की है ना, एकदम से अच्छी चलने लगी है अब मक्की हमारी, क्योंकि जो घास वगैरह था ना ये तो हमने उखाड़ दिया मक्की से, और अब खाली मक्की मक्की दिख रही है। और ज़मीन भी सूख चुकी है क्योंकि आज एक हफ्ता हो गया बिना बारिश हुए। बस थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी हो जाती है सुबह सुबह, और उसके बाद में बिल्कुल आराम हो जाता है। तो सारी जो भी ज़मीन थी वो अच्छी है, और फसल भी अच्छी चली है अभी भी। आगे तो क्या पता कितनी होगी और कितनी नहीं। और मेरी ना गर्दन में दर्द हो जाती है आजकल, खासकर गोबर उठा करके और घास ला करके। कभी कभी आराम हो जाता है तो बिल्कुल भी नहीं लगती कि है ही नहीं, और जब होती है ना ये गर्दन में दर्द तो अचानक से हो जाती है। और फिर ना जब इतनी तेज़ होती है कई बार तो कि रात को ना सोना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं आ गई, अपना जो तसला था गोबर का मेरा लास्ट, उसको फेंक के अपने खेत में। बस इतनी सी दूरी पर हम डेली जाते हैं गोबर फेंकने, पर आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, आजकल 6-7 तसले हो जाते हैं गोबर के, क्योंकि आजकल गोबर बहुत ज़्यादा होता है, खासकर बरसात के मौसम में। तो थक तो ऐसे ही जाते हैं गोबर ढोल। बंसू, आपको किसने काटा हुआ है ये, यहाँ पे किसने काटा हुआ, किसने काटा हुआ है? नहीं, मच्छर ने काटा हुआ है। आपने मूछ लगा दी दूध पी के? कहाँ काटा आपको मच्छर ने, स्कूल में कि घर में? स्कूल में काटा मुझे। स्कूल में काटा? अच्छा अच्छा। आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से। और आज है बुधवार, अभी टाइम हुआ है सुबह के 9:30 का टाइम है, और मैं आ चुकी हूँ यहीं फिर से जंगल में, और पशु और बकरियां लेकर के। पर माफ़ कीजिएगा, आपको ना साफ़ नहीं दिख पाएगा आज, क्योंकि ना पीछे से धुंध पड़ी है, और जब धुंध पड़ती है ना तो कैमरे में कुछ भी साफ़ नहीं दिखाई देता है। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों के साथ में खूबसूरत सा जो मॉर्निंग का व्यू है वो शेयर करती हूँ, और उसके बाद में मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो चलिए पहले व्यू शेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आज सुबह का खूबसूरत सा प्यारा सा मॉर्निंग व्यू, और पशु हमारे इस तरफ को है, बकरियां थोड़ा सा ऊपर है। पर इन झाड़ियों के बीच में ना, जब ये नीचे झाड़ियों के नीचे छुप जाती है तो पता ही नहीं लगता कि ये है कहां पर, और मेरी आँखें ना अक्सर धोखा खा जाती है। और कुछ एक लोग इस साइड को है जो अपनी बकरियों को लेकर के आए हैं, और कुछ एक पाली साइड को है, और चारों तरफ ना धुंध पड़ी है। ये देखिए मौसम साफ नहीं है, बस ऐसे ही चला हुआ है, 6-7 दिनों से धुंध पड़ी है, और हल्की हल्की सी बारिश हो जाती है एक टाइम, बाकी फिर ना मौसम साफ़ ही है, ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है और ज़्यादा धूप भी नहीं हो रही है ना। 2 मिनट पहले धुंध पड़ी हुई थी, और 2 मिनट बाद ना देखिए कितनी तेज़ धूप लगी, और मैं बैठ गई छाया में आकर के, क्योंकि आजकल ना बरसात की जो धूप है वो एकदम से सहन नहीं होती मुझसे। गर्मी में इतनी ज़्यादा मुझे धूप नहीं लगती जितनी ज़्यादा मुझे बरसात में लगती है, एकदम से ना सीधा सिर पे बैठ के आती है तो मेरा ना सिर में दर्द होने लगती है और मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता। चलिए अब मैं आपसे ना वो बात कर लेती हूँ, मुझे ना किसी ने पूछा था, कमेंट किया हुआ था मेरी वीडियो पे कि आपके पतिदेव को नहीं है पता कि आप वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था वीडियो में कि मेरे पतिदेव जी ना ऐसे बोलते कि फटाफट काम कर और वीडियो कुछ नहीं बनानी है। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे YouTube पे आए हुए ना 2 साल होने लगे, और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं इतनी बड़ी बात वो अपने पतिदेव जी से छुपाऊँ। तो उनको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, पर उनका बोलने का मतलब ये था, ये होता है जब भी काम करते हैं, मुझे बोलते कि जब भी काम करते हैं ना तो तुम फटाफट से फ़ोन उठाती है, ट्राईपोड उठाती है, और ना फिर तू 10 से 20 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद कर देती है, कभी वहाँ कभी वहाँ। तो इससे बेटर यही है कि पहले ना काम कर लिया कर और उसके बाद में वीडियो बनाया कर। तो मैं बोल रही थी कि पतिदेव जी ऐसे कैसे होगा कि मैं पहले काम कर लूँ और फिर बाद में वीडियो बनाऊँ, तो मुझे बोले थे बस मुझे कुछ नहीं सुनना है, काम करो फटाफट से, बाकी बाद में देखते रहना, जो भी करना होगा वो करते रहना। और रही बात मेरी वीडियो बनाने की, तो उनको सब कुछ पता है, और मैं ना छुपा भी नहीं सकती हूँ, मैं हर एक बात तो किसी से भी नहीं छुपाती हूँ, मैं हर एक बात बताती हूँ, हर एक बात अपने परिवार से शेयर करती हूँ।
तो ये इतनी बड़ी बात ना मैं कैसे छुपा सकती थी। और उनका जो मैंने जब उनको बताया था ना कि मुझे YouTube पे वीडियो बनानी है और मैं भी बनाऊंगी, ब्लॉग्स बनाऊंगी, तो उसके बाद में उनका जो रिएक्शन था ना वो सिर्फ यही था कि तुम्हें जो करना है ना वो करो, पर बस कभी गलत काम मत करना, ये काम ऐसे काम मत करना जिससे कि ना हमारे घर वालों को ये बोले कि देखो तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहू इस तरह से काम करती है, तुम्हारी बीवी इस तरह से काम करती है। तो मैंने उनको समझाया, पहले तो वो भी मना, मैंने उनको समझाया कि देखिए मैं ही अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरी भाई बहन हैं जो कि वीडियो बनाते हैं और अपनी जो अर्निंग है YouTube से करते हैं। तो वो मान गए, समझते हैं, हर एक बात मानते हैं, पर पता क्या होता है, जिसको जिस बात की नॉलेज नहीं होती है ना वो फिर क्या देते कि मुझे नहीं है पता, क्योंकि उनको सच में पता नहीं है YouTube के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे ही कहते हैं बस तुझे जो करना है वो करती रह, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो आपको जो आपका सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा, जिसने भी मुझसे पूछा था, मैं उनका नाम भूल गई। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो आज का व्लॉग है वो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा ना तो आप प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। आपका प्यारा सा कमेंट हमें ना मोटिवेट करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है, और जब आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक पहुँचते हैं ना तो सच में दिल ना बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही खुश। और ऐसी बात नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ। कभी कभार अगर मुझसे किसी का कमेंट छूट जाता है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। फिर भी मैं रात को ना 10:30-11 बजे तक सब तकरीबन जितने भी मेरे वीडियो पर कमेंट आए होते हैं उन सभी का रिप्लाई दे देती हूँ सोने से पहले। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा।